अब किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई में हमारे पास यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मतलब एक सेल होता है या तो इसमें या बहुत एक से ज़्यादा सेल होते हैं। और फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे की तरह बारीक बारीक से होते हैं। अच्छा, फंजाई अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये किस साइड पे ज़्यादातर होते हैं फंजाई? मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में, जहाँ पे ज़्यादा सीलन हो, गीलापन हो, इस तरह से उस साइड पे ये फंजाई होते हैं, ग्रो करते हैं। ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डेड मैटर से। और ये जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ भी कॉज करते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हम लोग एडिबल होते हैं, हम लोग खा सकते हैं, यूज़ करते हैं अपने उस खानों में। जैसे यीस्ट होता है, मशरूम्स होते हैं, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते और ये हमारे लिए डेंजरस होते हैं। जैसे कि हमारी स्किन पे कभी फंगस हो जाता है, एयर के अंदर हमारे कान के अंदर हो जाता है फंगस, अगर उसको सही से क्योर ना किया जाए तो वो डेंजरस हो सकता है। अब हमारे पास किंगडम एनिमिलिया है। किंगडम एनिमिलिया हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब इसमें एक सेल नहीं होता, एक से ज़्यादा सेल होते हैं। ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। किंगडम एनिमिलिया में हम लोग खुद भी आ जाते हैं, इंसान ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं इसमें। तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। ये किस पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। हमारे पास जितने भी 5 किंगडम्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट किंगडम किंगडम एनिमिलिया ही है। इसके अंदर हमारे पास 2 फर्दर टाइप ग्रुप्स हैं, एक होता है वर्टिब्रेट्स और एक होता है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हो या बैकबोन हो, उनके स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं। जैसे हम लोगों के होते हैं, होती है पीछे वर्टिब्रल कॉलम, हमारा होता है, हमारी बैकबोन होती है। इसी तरीके से फिश की होती है, फ्रॉग की होती है, और भी बहुत सारे एनिमल्स की होती है बैकबोन। ये क्या हेल्प करती है? सपोर्ट, और सपोर्ट करती है मूवमेंट में। और नहीं।